नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। नीमच नगर पालिका का 5 वर्ष कार्यालय का आज हुआ समापन। नगर पालिका परिषद नीमच का विशेष सम्मेलन आज सुबह 11:30 बजे नीमच नगर पालिका प्रथम तल नवीन सभाकक्ष का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सभी वार्ड पार्षदों को साफा बांधकर सम्मान किया गया। वहीं आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई, जिसमें बीजेपी कांग्रेस पार्षदों में जमकर बहस हुई। आज बैठक थी, कितने प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कितना का कुछ विरोध विरोध हुआ? 7 जनवरी 2015 को परिषद का विशेष सम्मेलन, पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था और आज 6 जनवरी 2020 है और सम्मेलन परिषद का आखिरी सम्मेलन हुआ है, जिसमें शहर विकास के 26 प्रस्ताव शामिल किए गए थे। सर्वसम्मति से उन प्रस्तावों को पारित किया गया है। मैं मानता हूं कि आज की आखिरी बैठक के अंदर जो विषय हुए हैं पारित, उनका कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा और शहर के विकास की गति बढ़ेगी। इसके पूर्व इस परिषद के अंदर सबसे बड़े जो निर्णय हुए हैं वो बरसों बरस याद रखे जाएंगे। हमारा जो टाउन हॉल है वह भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह के नाम से नामांकित हुआ है और वह नीमच की जनता को समर्पित भी हुआ है। हमारा स्विमिंग पूल प्रारंभ हो गया है, हमारा पेविलियन प्रारंभ हो गया है और नीमच शहर की सबसे बड़ी सौगात रही है हमारा वात्सल्य भवन, जो हमारे गरीब परिवारों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में शादी विवाह होते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। इतना पैसा हमारी नीमच की जनता खर्च नहीं कर सकती है, उनकी सुविधा के लिए हमने वात्सल्य भवन बनाया और ऐसे अनेक मांगलिक भवनों का निर्माण किया है। इस परिषद के अंदर विगत 5 सालों के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। कुछ विकास के कार्य शेष हैं, वो भी जल्दी से जल्दी पूरा होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। और नीमच की जनता ने मेरे ऊपर जो भरोसा विश्वास किया है, उस भरोसे और विश्वास पे मैं खरा उतरने का प्रयास किया है। ईमानदारी, नेक नियत और पारदर्शिता से मैंने काम किया है। मैंने कांग्रेस भाजपा कभी नहीं देखा और 40 ही वार्डों में समुचित विकास किया है और विकास की इस परिषद ने एक नई इबारत लिखी है जो इतिहास के अंदर दर्ज हुई है, बरसों बरस याद रखी जाएगी। आज परिषद का जो आखिरी सम्मेलन था, अभी नवीन परिषद हाल का जो निर्माण हुआ है वहाँ पर बैठक हुई थी और वहाँ पर आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सम्मेलन की आखिरी बैठक संपन्न हुई है। और नीमच के इन 5 सालों में स्वच्छता के अंदर जो गति बढ़ी है और देश के 500 शहरों की तुलना में हमारा नीमच 47वें स्थान पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने काम किए हैं और जो नीमच की जनता ने, सामाजिक संस्थाओं ने जो सहयोग किया है, आने वाले समय में स्वच्छता में नीमच नंबर 1 होगा। इन सब विकास के कार्यों में और जो जन कल्याण की योजना है उनको सुचारू रूप से चलाने में और जनता तक उन योजनाओं को ले जाने में जो हमारे नीमच शहर के पत्रकार जगत है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका भी बहुत योगदान रहा है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और विशेषकर हमारे नीमच शहर की जनता का, जिन्होंने हमें अपार स्नेह दुलार दिया है। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे 5 साल तक स्नेह दिया। और नीमच शहर के अंदर जब सीवर और पानी का प्रोजेक्ट चला तो गली मोहल्ले खुदे थे, धूल उड़ी थी, अनेक अनेक कठिनाइयां उन्होंने झेली है, लेकिन उन्होंने जो भरोसा रखा आज उसका सुखद आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। मैं पुनः आपके माध्यम से नीमच की जनता का, पत्रकार जगत का, नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी का और सभी सम्मानित पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये सफलतम 5 वर्ष हमेशा याद रखे जाएंगे और मैं नीमच की जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, चाहे इस पद पर रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं काम करता रहूँगा, लोगों की सेवा करता रहूँगा, सुख दुख में काम आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे कोई विषय है जो आपको लगता है कि 5 साल में ये और